यहाँ आदमी कैमरे पे बोलने से डरता है, उसको लगता है कि हम यहाँ से निकलेंगे हमारे साथ मारामारी होगा। वेस्ट बंगाल पे लड़कियाँ जितनी सुरक्षित है ना, मेरे ख्याल से शायद ही कोई और स्टेट पे इतनी सुरक्षा मतलब मिलती है। को मैं इलेक्शन से जोड़ कर नहीं देखना चाहता। देश के हर कोने में हमारी बहन बेटियाँ ऐसे ही सुरक्षित होनी चाहिए। आप भी तो हिंदू मुसलमान उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जब बात नहीं कर रहे तो फिर क्यों उठा रहे हिंदू? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। ये समस्या है, उन्होंने ऐसा बोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल में। तीन फेजेस की वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में आज अमित शाह यहां पास ही एक जगह पहुंचते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि 62 से 63 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ के सियासी माहौल बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं। ये कौन सी जगह है सबसे पहले तो ये बताइए? न्यू मार्केट संपर्क मॉल। ठीक है, सबसे पहले मैं ये आता हूँ, तीन फेजेस की वोटिंग हो चुकी है, यहाँ का माहौल क्या है? कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अंडर करंट बहुत ज्यादा है। दीदी है, अंडर करंट का आप नहीं कह सकते कौन होगा। यहाँ आदमी कैमरे पे बोलने से डरता है, उसको लगता है कि हम यहाँ से निकलेंगे हमारे साथ मारामारी होगा। पहचान कर ली जाती है कि इस आदमी को पहचानो, इसको मारना है। और ये आमतौर पर पाड़े में होता है, शहर में नहीं होता है। शहर में कहीं मारामारी नहीं देखा, पर आप बंगाल के लोकल इलाके में जाओगे खूब होता है। तो यहाँ आदमी, आप जब कैमरा में पूछोगे 10 आदमी से, 6 या 7 आदमी कहेगा कि सॉरी हमको पता नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी बिल्कुल, ये चीज़ हमने भी महसूस की, झूठ नहीं बोलेंगे, ये चीज़ हमने भी महसूस की कि यहाँ पर 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी को नारा देना पड़ा था, चुपचाप कमल छाप। और ऐसे में नंदीग्राम के दिन, जिस दिन नंदीग्राम में पोलिंग हुई उस दिन हम वहां पर मौजूद थे, बीजेपी वाले मुंह से नहीं बोल रहे थे कि हम बीजेपी से हैं, बाकी टीएमसी वाले खूब शोर गुल्ला। तो ऐसे में ये बताइएगा, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? बीजेपी वाले खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि यहाँ पर बंगाल में बीजेपी करने वाली कोई नहीं है, वो सब आए हुए बाहर से, झारखंड बिहार यूपी से आए हुए। मेरे भाई, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। जो मताधिकार है वो आपका हथियार भी है और आपका अधिकार भी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बेटियाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप नाम बताइएगा अपना। माय नेम इज रिफत परवीन। आप क्या करती हैं? हम स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। ये बताइए, वो भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन जरूरी है, साथ ही साथ कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं बीजेपी के वोट देंगे, ये बताने में डरते हैं कि उन्हें चिन्हित ना कर लिया जाए, उनके साथ किसी तरह की कोई हरकत ना हो जाए। उस पर जाने से पहले ये पूछूंगा, एक छात्र के नाते आप क्या समझती हैं, आपके लिए कौन सी पार्टी बेहतर? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने अंदर के एक उनका कहना था तो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और परिवर्तन 10 सालों में दीदी ने काफी अच्छा परिवर्तन कर चुका है, और परिवर्तन के लिए हम लोग को नेसेसरी थोड़ा सा ही मिल रहा है, बट मिल रहा है पर्टिकुलर को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आपको 10 सालों से ममता दीदी सत्ता में है, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज होती है, आपको लगता है कि उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी? नहीं, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लगता कोई कमी छोड़ी। एक लेडी मतलब गवर्नमेंट वो चला रही है सीएम होके, ठीक है। मैं आपने बोला कि कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि दीदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मुझे एक बात बताइए कि लिटरेसी रेट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 क्यों नहीं है? गरीबी रेखा में इतना नीचे वेस्ट बंगाल क्यों है? पर कैपिटा इनकम में वेस्ट बंगाल नीचे क्यों है? जीडीपी में क्यों नीचे है? राजनीतिक हिंसाएं क्यों होती हैं? इन 5 चीजों का मुझको जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, नहीं होती है यार, लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर क्यों नहीं, अव्वल क्यों नहीं? आप कह रही सब कुछ अच्छा, वही बात है, वो तो ऊपर से जब आएगी तब ना वो। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल किया मेरे भाई ने कि सेंट्रल में जो मोदी जी बैठे हैं वो पैसा दीदी को क्यों नहीं देते? बीच से दीदी को हटाइए, लीजिए यहाँ पर बीजेपी को ला दीजिए। क्यों लाएंगे हम लोग को दीदी चाहिए, बीजेपी क्यों लाएंगे? बीजेपी हमको चाहिए ही नहीं। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि दीदी बढ़िया काम कर रही है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए शायद हम तक काम हो पन्नी, मतलब काम नहीं हो रहा ना, पूरा नहीं हो रहा ना, तो ठीक है। आपने बोला जी, आप जो क्वेश्चन किए दीदी से उस हिसाब से मैं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, दीदी काम नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही क्योंकि सेंट्रल पैसा नहीं दे रही ना। जी, ये बात आपसे किसने कही? किसने कही? नहीं देखिए ऐसा है, दीदी ने ये स्टेट में दीदी ने कही, अच्छा दीदी ने कही, ठीक है। बीजेपी ने क्या क्या कही? नहीं, नेताओं के भाषण सुनता नहीं, 15 लाख, अरे 15 लाख, मैं नेताओं के भाषण नहीं सुनता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जाएंगे 15 लाख रुपया खाली वादा करते और कुछ करते नहीं है। मेरी बात समझिए 2014 का, 2000 मेरी बात सुनिए 2014 में कही गई एक बात, एक उसको लेकर आप कब तक गांठ बांध कर बैठे? नहीं हुआ पूरा, क्यों नहीं हुआ? उदाहरण है, मैं अगर मार्केट में जाऊंगा तो मैं 2 लाख कमाऊंगा,
ये होता है एक उदाहरण, एग्जाम्पल सेट करना। मोदी जी ने कहा था कि अगर विदेश से पैसे आ गए तो इतने पैसे आएंगे कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख जा सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। ये राजनीतिक, ये देखिए, आप पे आता हूँ। ये बताइए, 3 फेजेस की वोटिंग हो चुकी है, ठीक है, इसके बाद माहौल क्या है? माहौल तो आपका तृणमूल लेके जीत रहा है। आपका नाम क्या है, नाम, और आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं के रहने वाला, इफ्तिखार अहमद नाम है मेरा। इफ्तिखार नाम है, ठीक है। ये बताइएगा इफ्तिखार जी, यहाँ पर चुनाव दरअसल हो किस चीज पर रहा है? केवल चेहरा देखकर हो रहा है कि ममता दीदी, या फिर जमीनी मुद्दे भी कुछ हैं? क्या मुद्दा है? देखिए यहाँ हर काम हुआ है, चाहे ममता दी हर काम को किए, ऐसा नहीं कि किसी विभाग में भी हो। और रहा दूसरी बात कि बीजेपी के आने से क्या होता है, जिस जगह पर वो गया है सवाए दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं किया है, और यहाँ पर शांति माहौल जब से हम लोग रहे आज तक कहाँ शांति है गुरु, कहाँ शांति? नंदीग्राम में नंदीग्राम वाले दिन, नंदीग्राम में जिस दिन चुनाव थे, पोलिंग दर पोलिंग में गया, हर जगह लड़ाई झगड़ा, हर जगह हिंसा, हर जगह छुटपुट मारपीट। देखिए बीजेपी का वो सब गेम वो तो जानते, जहाँ जाता उसका हिंसा के अलावा कुछ, उसके बाद जीतेगा भी नहीं वो, जब तक भी वो कुछ गड़बड़ करेगा कुछ जीतेगा नहीं वो। नहीं भैया, नंदीग्राम में जो हुआ था आप जो बता रहे वोट वाले दिन, आपको पता है माइनॉरिटी वहाँ पे जो लोग रहते थे, कुछ महिलाएं घर के अंदर नमाज पढ़ रही थी, उसके घर के अंदर एंटर करके उन लोगों को वार्निंग करके दिया, मतलब जा रहे, मे भी शायद वहाँ पे कोई BSF वाले लोग भी थे, सब आए थे, और क्या बोले, आप लोगों को वोट देने नहीं जाना, अगर आप लोग वोट देने जाएंगे तो बहुत बुरा होगा उन लोगों का। ये लोकल चैनल न्यूज वाले लोग दिखा रहे हैं। मैम ऐसे लोकल न्यूज चैनल को या तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, या ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से आप पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं। बोथ साइड दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ साइड दिखाते हैं। आप जा करके वहाँ फिर पता करिए, आप लोग नेशनल चैनल वाले हैं ना, आप लोग वहाँ जाके सर्वे करिए, देखिए आप लोगों को पता चलता है या नहीं। अच्छा ठीक है, आपको किसी ने ये बताया कि वहाँ पे बीजेपी के लोगों के साथ भी मारपीट की गई? बीजेपी के लोग ने नहीं बताया वो समझ गया, ठीक है। इलेक्शन के दिन में, हर इलेक्शन के दिन सुबह 7 बजे एक किसी ने किसी बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, सिंबल होता है कि आप घर से नहीं निकलेंगे। 3 दिन इलेक्शन हुआ है, तीनों मारे जाते हैं, साथ में तृणमूल के कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं। अगर आपका बीजेपी के बारे में भी मार रहे हैं, अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, दोनों तरफ से होता है, तो इससे राजनीति अपनी जगह है। इसके पीछे का कारण दीदी, इसके पीछे का कारण बता दीजिए पहले। इससे पहले जब सीपीएम थी तो उस वक्त जब ममता दीदी जब इलेक्शन लड़ी, तो उस वक्त मतलब इतना हिंसा नहीं हुआ, अब हो रहा है। क्यों? बीजेपी आने पे। तो इनका ये गुंडा राज है ना, ये सिर्फ ये पश्चिम बंगाल पे नहीं, ये हम पहले से ही देख चुके हैं, यूपी बोल लीजिए, MP बोल लीजिए, हर जगह इनका चलता है। पर ये बंगाल है, यहाँ पे हम नहीं चलने देंगे। आपका नाम क्या है? बादशाह। बादशाह आप कहाँ से हैं? यहाँ से कोलकाता। बादशाह खुलकर बताएंगे कि यहाँ का हाल क्या है। बादशाह इधर आइए, बादशाह इधर आइए, बहुत अच्छा हाल है। बादशाह आपको पता है यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में दो जो पार्टियां मुख्य तौर पर सामने सामने है, ये कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है? कुछ नहीं है, दीदी है, काली दीदी है, काली दीदी है। ठीक है, ये बताइए आखिरी वक्त पे कहीं कुछ और खेला तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कह रही? खेला नहीं होगा, ओनली दीदी, ओनली फॉर दीदी खेला। ये मुस्कुराहट जो है, ये मुस्कुराहट जो ये खेला करेगा। अरे आप बोलिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, समझे? जब से बीजेपी आया है तब से धार्मिक राजनीति कर रहा है, और कोई बात नहीं। यहाँ तक का कि आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये भी डेवलप दीदी ने किया है, और कोई बात नहीं। सिंपाक मॉल, ये न्यू मार्केट, चलिए एशिया का सबसे नंबर वन मार्केट कहलाता है न्यू मार्केट। इसके लिए पैसा दे दिया था केंद्र ने, कांग्रेस था, आप मुझे ये बताइए कहीं आप बीजेपी की उन बातों पे तो नहीं आ गए, जब बीजेपी कहती है कि हिंदू जो है ममता बनर्जी के राज में खतरे में है? ऐसा तो नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, उन बातों से तो इन्फ्लुएंस नहीं हुए ना, बिल्कुल मतलब नहीं बनता। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके, आप भी एक हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल, आप नंदीग्राम गए, बिल्कुल आपको खतरा लगा? नहीं मुझे कुछ नहीं। फिर कहाँ से हिंदू खतरा? मैं, अरे देखिए, मैं ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, मैं हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं, आप लोग सपोर्टर हो सकते हैं, मैं सिर्फ रिपोर्टर हूँ जी। आप ही तो हिंदू मुसलमान उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जब बात नहीं कर रहे तो फिर क्यों उठा रहे हिंदू? मैं बात बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, मैं उठा नहीं रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला, ये समस्या है, उन्होंने ऐसा बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है,
आप गलत बता किएगा, मेरे शब्द नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ना। मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, आप भी एक हिंदू हो, आप नंदीग्राम के जहाँ जहाँ वोट हो आप वहाँ जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप खतरे महसूस कर रहे हो? नहीं मुझे कोई, कहाँ से हिंदू खतरे में है आप बताओ, कहाँ से हिंदू खतरे में है इधर? कोई ऐसा कोई बात नहीं, ये एक हवा है हिंदू का वोट टालने के लिए बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं, हिंदू भाई लोग भी जानता है कि ऐसा करने से वोट नहीं कटेगा, सब दीदी को देंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइएगा, यहाँ पर योजनाओं पर मुख्य तौर पर बात ना होकर किस चीजों पर बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा मुद्दा हावी है? पहले बात ये जान लीजिए आप कि बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट कोई नहीं है, हिंदुत्व है खाली, हिंदुत्व हिंदुत्व खाली, ये बताइए। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, लोकसभा के चुनाव के दौरान बोला जाता था मोदी वर्सेस हु, तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है ममता वर्सेस हु, क्या समस्या है भाई आपको, क्यों नहीं चाहिए सीएम का चेहरा कैंडिडेट दिखाते सामने? भाई मैं पार्टी का आदमी तो होने की मैं बताऊंगा, आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टर को सपोर्ट में रहना चाहिए, पीछे मत भागिए, सवाल बदल जाने से पीछे मत भागिए। देखिए यूपी में जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो चेहरा वहाँ भी कोई नहीं था, झारखंड का इलेक्शन हुआ था चेहरा कोई नहीं था, हरियाणा का इलेक्शन हुआ था चेहरा कोई नहीं था, हरियाणा का रिजल्ट आया तो खट्टर साहब बने थे, यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बना। बीजेपी आम तौर पे 90% चांस होता है कि वो कोई भी कैंडिडेट नहीं देती है। हर जगह मोदी जी का चेहरा दिखाकर कब तक लड़ेंगे? हाँ, लोकल कब तक लड़ेंगे मुझे बता दीजिए, ये लोग तो भाई मना कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टाइगर इनका, इनका लोकल नेता नहीं मिल पा रहा है। मोदी से बड़ा एक्टर, बताइए 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 मोदी से बड़ा, अरे देखिए देखिए ठीक है, अरे देखिए 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 देखिए, नहीं नहीं सीधी बात बताइए, कब तक मोदी का चेहरा दिखाकर कब तक लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी के पास में मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तो मोदी जी सीएम बनने आएंगे? नहीं सीएम नहीं बनेंगे, ये कमजोरी है, इनको चाहिए कि लोकल किसी नेता को डेवलप करते जाए हर राज्य में। होता क्या है कि सेंट्रल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अरे भैया इतना डेवलप करने का समय कहाँ है, ऐसे तो वो सीधे ममता दीदी को वोट दे देंगे। अभी नहीं है, आप अभी किसे नेक्स्ट टाइम 5 साल में कीजिए, कौन जीतता है अगले 5 साल में डेवलप कीजिए। आपने सोचा था कि योगी बनेगा सीएम कभी? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे पूछ रहे हैं आप? ठीक है मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था ना। बना ना तो वैसे ही, नहीं नहीं बनने को बहुत लायक है, बहुत ज्यादा लायक है, वो आपको तकलीफ अलग बात है पर बनने के लायक है, और यूपी का डेवलपमेंट लगभग डबल हुआ है। योगी जी को ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए 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 मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, नहीं 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 अरे नहीं नहीं देखिए मेरी बात समझिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो यहीं पर रहते हैं, अब मैं कहूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान को खाने को रोटी नहीं है कोई मतलब है इस चीज का? यहाँ के मुद्दों की बात करते हैं, यहाँ पर मुद्दों पे आते हैं, बहुत शानदार बोल रही है और अच्छे से ढंग से बता पा रही है जी। योजना के लिए अभी आपने कहा है ना, अब अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं या बदलाव आप यहाँ पे क्यों नहीं चाहते, अब आप मुझे एक बात बताओ। मैं आपको यहीं पर रोक कर कुछ सवाल कर सकता हूं? हाँ जी हाँ। देखिए राजनीतिक चर्चा के लिए ये लोग बहुत मुखर होकर बोल लेते हैं, मैं आपसे महिला सुरक्षा को लेकर बात करना चाहता हूँ ठीक है। अब ये बताइए देश में सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ये सब अलग हो जाते हैं लेकिन महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आप महिला होने के नाते ये बताइए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि क्या है, सुरक्षा का यहाँ पर क्या पैमाना? यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल पे लड़कियाँ जितनी सुरक्षित है ना, मेरे ख्याल से शायद ही कोई और स्टेट पे इतनी सुरक्षा मतलब मिलती है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, मैं अभी फिर बताती हूँ। मतलब मैं अभी आई हूँ, मैं आई हूँ आपका बजबज ट्रंक रोड से, आप लोग जानते हो बजबज कितना दूर है? वो काफ़ी दूर है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ से यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, व्हाट इज़ द टाइम नाउ 8:21 आज ठीक है। जाते जाते मेरे पापा नहीं आए, मेरे भैया नहीं, कोई पड़े नहीं, हम सिर्फ 3 लड़कियां यहाँ पर आए हैं और इतना रात में हम ठीक जाएंगे ठीक है, बाय बस हो या बाय कैब हो जैसे भी, बट हम अकेले ही घर जाएंगे। तो ये एक सेकंड वो साहस है, वो साहस है, वो साहस कैसे आया, वन सेकंड वो साहस कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ हमारी सीएम के वजह से। क्योंकि ये फ्रीडम, ये छूट, ये सुरक्षा उन्होंने हमें दी है, तभी आज हम ये साहस कर पाते। अब आप मुझे ये बताओ जहाँ पे योगी सरकार के इसमें मतलब कि आप यूपी में वहाँ पे क्या लड़कियाँ कितने रात तक घूरती है, क्या अकेले जा पाते? नहीं, यहाँ यहाँ की बात होगी, यहीं की बात ठीक है। नहीं मतलब कि बीजेपी बोल रही है ना पूरा, तो वो बोलती है कि मतलब वो तो योगी सरकार की अगर हम बात नहीं तो योगी सरकार यहाँ पर क्यों आए, क्यों आए कि ये बोलने के लिए कि वेस्ट बंगाल की जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे ये खतरे में वो बिल्कुल नहीं। हमें पहले योगी सरकार से ये पूछना चाहिए, आप हमें पहले ये प्रूफ दो कि आपके स्टेट में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, हम तो प्रूफ दे रहे खड़े हैं भाई, खड़े ही कितने रात में। बहुत तालियां हो जाए पहले बहन के लिए भाई, बहुत तालियां, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। देखिए
ये सिर्फ ये कोई इसको मैं इलेक्शन से जोड़ कर नहीं देखना चाहता। देश के हर कोने में हमारी बहन बेटियां ऐसे ही सुरक्षित होनी चाहिए। इसका किसी राजनीतिक पार्टी या किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई सुरक्षा के लिए अगर कोई मतलब प्रूफ मांगते, मैं इतनी रात में यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बजबस से आई हूँ इतनी दूर, तो इससे बड़े प्रूफ और क्या चाहिए किसी को? सुरक्षा आपका अधिकार है। अब शिक्षा पर आते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर आ जाते हैं, क्योंकि आप छात्र भी। जी बोलिए बोलिए, पहले बोलिए। बीजेपी वालों ने सिर्फ एक नारा निकाला है किसी को चिढ़ाने के लिए कि जय श्री राम, मगर आप ये नहीं पूछते उनसे कि जय श्री राम बोल रहे आप और गैस के दाम बढ़ा रहे, जय श्री राम बोल रहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, ये सब चीज में कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी वाले से एक बार भी कोई मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि डीजल के दाम क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहा है, गैस का दाम क्यों बढ़ रहा है। आज गैस का सब्सिडी नहीं आता है, पहले गैस का सब्सिडी आता था, अभी गैस का सब्सिडी नहीं आता लॉकडाउन के। ये क्या होता है कि हर रिएक्शन का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ऐसा हुआ कि ममता दीदी ने किसी ने उनको कहा जय श्री राम, ममता दीदी ने उसको बंद करवा दिया, तो ऐसे में बीजेपी ने इसको गढ़ लिया और बीजेपी इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि डीजल के दाम पूछो, उनसे गैस का दाम क्यों बढ़ा। पंजाब में बैठे हुए किसान भाई लोग जो हमारे अन्नदाता है, दिल्ली में भी बैठे, दिल्ली में ही बैठे, तो उन्हें जाके क्यों नहीं समस्या हल कर रहे। मैं रोज हेलीकॉप्टर से दिल्ली बंगाल आ जा रहे हैं, वहां से तो पास में 2 घंटा भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं जा रहे हैं? जैसे संसद यहाँ हो गया, वो लोग हर रोज आता है यहाँ, वो लोग समझता है सुबह जब सुबह उठ कर जैसे जाता है जब संसद में पार्लियामेंट, वो अभी पश्चिम बंगाल का संभालता है, यही पार्लियामेंट है, हर रोज सुबह यहाँ चला आता है, उसमें कितना खर्चा आता है सब हम ही लोग से लेता है ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक बात और बड़ी चर्चा में कि यहाँ पर साइलेंट वोटर है। देखिए ऐसा, ये बात सच है, ये बात मेरी विश्वास करिएगा, मेरी बात को, ये बात को विश्वास करिएगा। हम यहाँ पर जैसे मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव भी कवर किए हैं, मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव भी कवर किए हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आम जन भी खुलकर बोलता है और सामने खड़े होकर बोलता है। मैं सच बताऊँ, बीते एक महीने में ये पहले आदमी मुझे दिखे हैं जो यहाँ पर आकर आपके अपोजिट बोल रहे हैं। सच्चाई है ये, ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जो सपोर्टर है वो खुलकर बोल लेते हैं, लेकिन आम आदमी खुलकर नहीं बोलता, ऐसे में उसको साइलेंट वोटर की नजर से देखा जा रहा है। यहाँ पर साइलेंट वोटर आखिरी में कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, खेला होगा, दीदी जीतेगी, ये साइलेंट वोटर भी खेला करेगा, वो भी खेला करेगा, वो भी मोदी के संग में खेला करेगा, वो देख चुका है बीजेपी का। एक्चुअली मैं आपको ये चौरंगी का बताता हूँ, ये चौरंगी का विधानसभा का मैं बता, कैंडिडेट बीजेपी का, यहाँ पर का जो कैंडिडेट है बीजेपी का, यहाँ का खुद का इंसान जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो खुद उनमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो दूर से आया हुआ है। भैया बहुत देर से पीछे मुस्कुरा रहा है, कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, मुस्कुरा दिया फिर कहिए। दीदी सिर्फ दीदी, सिर्फ दीदी, अच्छा ठीक है, चलिए जी। आपने जब भी भैया से क्वेश्चन किया था उसका मैं एक आंसर देती हूँ आपको। मतलब सोच लीजिए, ममता बनर्जी का जितना योजना है वो सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है, तो वो ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिमों के लिए योजना नहीं बनाई है, उन्होंने बनाया है अपने वेस्ट बंगाल के जनता के लिए, ठीक है। अब देखिए आप नेता की तरह बात कर रहे हैं, जनता के लिए। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आप बोल रही हैं कि उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई सब काम कर गई, जो कुछ ये नेता की तरह मत बोलिए, सब सब सच में काम करती है, हमें मिला है, मैं आपको बता रही हूँ। जी मैम, हिंदू मुस्लिम सबके लिए करती है, लेकिन क्या इशू बन जा रहा है अभी? हिंदू मुस्लिम एक इशू बन गया, वो मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है। देखिए मैम, अब आपको बताता हूँ ये बातें उठती कहाँ से। ये बातें दरअसल ऐसे उठती हैं कि बंगाल से जितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो घुसपैठिया आ रहे हैं, उसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इतना बढ़ गया, ममता दीदी उनको वोटर कार्ड दे रही हैं, ममता दीदी उनको वोट बैंक की तरह यूज कर रही हैं, ये मुद्दा है मैम। तो कार्यक्रम को यहीं पर, कार्यक्रम में हम डालते हैं विघ्न, मतलब कार्यक्रम को यहीं करते हैं खत्म। खत्म करने से पहले हमने आपको जैसा कि बताया कि बंगाल की जनता दरअसल क्या सोचती है, हम लगातार फील्ड पर आए, लगातार आपसे बात की, लगातार आपको बताया कि जनता दरअसल सोचती क्या है, उनके मन के अंदर जो चीज़ें छिपी हुई उसको टटोलने की कोशिश की हमने, और साथ ही जानने की कोशिश की कि यहाँ पर खेला होवे जो नारा है वो रंग लाएगा या फिर परिवर्तन जो है वो सबके दिल में घर कर जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।